एक स्त्री रोग एवं इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ हूँ। आज आपसे बात करूँगी कि आप अपने IVF के सक्सेस रेट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आज समाज में हमारे पास इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, मगर सामाजिक कुंठा जो साथ में थी वो जरूर कम हो गई है। मरीज हमारे पास बिल्कुल फ्रीली आते हैं और IVF के लिए पूछते हैं, IVF करवाते हैं। बट भारतीय दंपति के पास अभी भी इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है कि वो दो बार, तीन बार, चार बार IVF करा सके, क्योंकि कई बार ये IVF का सक्सेस रेट 40% 45% तक ही होता है। तो हमेशा मरीजों के मन में एक ख्याल होता है कि ऐसा वो क्या करें कि उनके IVF के रिजल्ट्स अच्छे आएँ। तो मैं इसी संबंध में आपकी मदद करना चाहूँगी। IVF का जो तकनीक है उसमें पहले आपके अंडे बनाए जाते हैं, फिर अंडे और पति के स्पर्म का फर्टिलाइजेशन बाहर करके हम आपके बच्चेदानी में इम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं। उस इम्ब्रियो के ट्रांसफ़र के दिन से लेके अगले 15 दिन के बाद आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट लेना होता है, और इस 15 दिन के दौरान मरीजों के मन में कई बातें चलती रहती हैं। मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे IVF का रिजल्ट अच्छा हो? तो इस चीज़ को हम दो भाग में बांटेंगे। पहला तो IVF के पहले के कुछ स्टेप्स, और दूसरा आपके इम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद के 14 दिन में आपकी सावधानियाँ। पहले आपको ये ख्याल रखना है कि आप सही समय पे अपना IVF करा लें। जैसे कि कई बार मरीज 10 साल 15 साल शादी के होने के बाद तक चीज़ों को टालते रहते हैं, जिससे उनकी उम्र बढ़ने के बाद सक्सेस होने के चांसेस धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो एक तो IVF तकनीक का चुनाव आप जल्दी कर लें, जब आपको पता चल जाए कि बाकी तकनीकों से आपका काम नहीं बन पा रहा है। दूसरा, आपके शरीर के बाकी हर चीज़ पे ध्यान दें, जैसे सिंपल विटामिन डेफिशिएंसीज, विटामिन डी, विटामिन B12, अनीमिया, इन सबको पहले ट्रीट कर लें। और तीसरी बात, आपके अपने पेल्विक ऑर्गन्स के आसपास जो भी गड़बड़ियाँ हों उनको पहले ठीक करा लें, जैसे कि ट्यूबल पैथोलॉजीज लाइक हाइड्रोसाल्पिंग्स, पायोसाल्पिंग्स, टूबरकुलोसिस, आपके बच्चेदानी की लाइनिंग सही नहीं बनती है, आपके अंडेदानियों में एंडोमेट्रियोसिस है या कुछ और बीमारियां हैं, इनको पहले सेटल डाउन करें। ऐसा ना करें कि पहले एक IVF साइकिल करा लेते हैं, नहीं हुआ तो हम इनको इलाज के लिए जाएंगे। अब बात आती है जब आपने अपना IVF करवा लिया और बाद के 14 दिनों तक आपको क्या सावधानियाँ लेनी है। कई बार मरीज और उनके परिवारजन ये कहते हैं कि हम तो इनको बिस्तर से उठने नहीं देंगे, ये बिल्कुल लेटी ही रहेगी 14 दिनों तक ताकि वी कैन गेट द रिजल्ट्स। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इनफैक्ट उससे और आपका मानसिक तनाव बढ़ता है और रिजल्ट्स कम हो जाते हैं। स्टडीज ये बताती हैं कि आप अपने जीवन की दिनचर्या आराम से जैसा था वैसा रख सकते हैं, बस आपको जर्क भरे काम, कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्जर्सन, ये चीज़ें ही अवॉइड करनी है। दूसरा, बिल्कुल रिलीजियसली जो मेडिसिन हम आपको 14 दिनों के लिए देते हैं, जिस टाइम पे देते हैं वो आपको लेनी है। ऐसा करने से आपका जो भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस आपके भ्रूण को आपके बच्चेदानी में टिकने से रोकेगा वो कम होंगी, ब्लीडिंग के चांसेस कम होंगे और आपके सक्सेस रिजल्ट्स हमें अच्छे मिलेंगे। और तीसरी बात, आपको किसी भी तरह के संक्रमण से बचना है, यानी इन्फेक्शन से अपना बचाव करना है। बाहर का खाना, भीड़ भाड़ की जगह पर जाना और बाहर का टॉयलेट्स यूज करना, पेशाब बहुत देर तक रोक के रखना, इन सब चीज़ों पे पूरा ध्यान दें। अगर आपके पेशाब में थोड़ी भी जलन हो तो उसको पहले से ट्रीट करा लें, क्योंकि यूरिनरी इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा काउज है कि आपका इम्ब्रियो अपनी जगह पे ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता है सही तरीके से। और इन्हीं सारे निर्देशों के साथ मैं आपको सबको शुभकामनाएँ दूँगी कि आपको भी एक हैप्पी फैमिली मिले। जितने भी इनफर्टाइल कपल्स हैं वो आज के विज्ञान के तकनीकों को यूज करके जल्द से जल्द माता पिता बनने का सुख प्राप्त करें। थैंक यू।